नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज है 7 जुलाई 2019 और आज सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था सीबीएसई की तरफ से। पेपर वन और पेपर टू, पेपर वन मॉर्निंग में था और पेपर टू था इवनिंग में। दोस्तों हम आप लोगों के लिए अब लेके आए हैं इनकी आंसर की। शुरुआत हम कर रहे हैं पेपर टू की आंसर की से और इसमें हम कवर करेंगे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। जो अपने सामने ये सेट है, ये जेड सेट है, जेड में आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। और बाकी अगर आप किसी दूसरे सेट में देखेंगे तो आपको आगे पीछे ये क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस भी आगे पीछे होंगे। तो उसमें आप 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन न देखें, सिर्फ ऑप्शन को देख ले, जो मैं बोल के बताऊंगा आपको उस हिसाब से देख लीजिए, वो दूसरी जगह पे आपको मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। और एक बात और दोस्तों, चारों ऑप्शन इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो सही आंसर है वही बताऊंगा, ताकि वीडियो लंबा ना हो और जल्दी से जल्दी आप अपनी जो आंसर की है वो मैच कर पाए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं खालिस्तान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 2, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जाता है। प्रश्न नंबर 3, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों एक शिक्षक की भूमिका होती है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। प्रश्न नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक पारंपरिक क्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। प्रश्न नंबर 6, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है स्कीमा। प्रश्न नंबर 7, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चों की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र जोन। क्वेश्चन नंबर 8, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, लैंगिंग जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन दिया गया है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुरक्षित रखने की योग्यता। प्रश्न नंबर 11, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो दोस्तों चार ऑप्शन हैं आपके सामने और जो सही ऑप्शन है वो बिल्कुल पहला है, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, तो सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला। प्रश्न नंबर 13, हॉवर्ड गार्डनर के बहु बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं हैं दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंतर्व्यक्तिक। प्रश्न नंबर 14, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो ये आपके सामने एक कारण दे दिए गए हैं चार, तो ये तो पढ़ के बताने पड़ेंगे। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग करना एवं नाम लेना, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे है, कक्षा में शिक्षण अधिगम
प्रक्रियाओं में सुधार करना बिल्कुल करना चाहिए। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना बिल्कुल लगाना चाहिए। बच्चों की क्षमताओं, संभावना, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रश्न नंबर 15, अनेक शोधों अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारंपरिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है? तो दोस्तों इसका सही विवेचन है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो दोस्तों ये है प्रमुख, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 17, विकास के व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी उनकी पारंपरिक क्रिया पर विचार करना। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं आ गया है, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल पहले वाला ही नहीं है, विकास के सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाते, बिल्कुल नहीं होते जन्म के समय। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विशेष शिक्षा योजना, ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 20, अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये युग्म दिए गए हैं, इनमें से हमें सही बताना है। तो इनमें से सही है ऑप्शन नंबर 3, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने की में कमी है। प्रश्न नंबर 21, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो दोस्तों ये है सृजनात्मक बच्चों के, ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न 22, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करने करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं 4 और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 23, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो ये है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है? तो इसमें भी नहीं आ गया है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। इसका आंसर है पहला, अध्यापक विशिष्ट छात्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। प्रश्न नंबर 26, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खालिस्तान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय खालिस्तान के? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो कौन सी देगी? ये देगी अन्वेषण एवं परिचर्चा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण है? तो ये आपके सामने दे दी गए हैं, ये दिए गए हैं, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना बिल्कुल सही है, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणाओं नक्शे बनाना, अवधारणात्मक नक्शे बनाना बिल्कुल सही है, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना बिल्कुल सही है, हम उम्र साथी को समझाना सही है, स्वयं के पसंद करना ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देता है। तो इसका आंसर पहला ही बिल्कुल सही है। अब चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न की तरफ। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उदाहरण एवं गैर उदाहरणों दोनों देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 है सही, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना बिल्कुल सही है, हम उम्र साथी को समझाना सही है, स्वयं के पसंद करना ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देता है। तो इसका आंसर पहला ही बिल्कुल सही है। अब चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न की तरफ। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उदाहरण एवं गैर उदाहरणों दोनों देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 है सही। तो दोस्तों ये 30 के 30 क्वेश्चन है अपने CDP से जुड़े हुए, जो TGT का जो पेपर 2 हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल
शॉर्ट में आपको बताए गए हैं ताकि आप अपनी आंसर की मैच कर पाए। तो ठीक है दोस्तों, आगे के वीडियो आपको और भी मिल जाएंगे, जितने भी पार्ट हैं इसके पेपर वन और पेपर टू सभी के आंसर की आज आपको हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। उन सभी के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको कीजिए लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।